नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करेंगे इस शो में शुगर की और स्पेशली शुगर केन की, क्योंकि शुगर केन से जो एथेनॉल बनता है उसके भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। एमएसपी बढ़ाने की बातचीत हो रही है। इन सब खबरों का एनालिसिस करेंगे शो के दौरान और साथ ही बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि फिर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो ट्रांच है वो जारी हो सकता है। क्या ये मौका होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांच में पार्टिसिपेट करने का, कंसिडरिंग जो रैली हमने गोल्ड प्राइसेस में देखी या फिर जो आगे की तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं, इस सब पर फोकस करेंगे। बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चीन स्टिमुलस पैकेज के बाद एक हमने अच्छी बाइंग बेस मेटल्स में आते हुए देखी है जो कि सस्टेन हो रही है। कहां हैं अपॉर्चुनिटीज, इस सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी, कोअर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा और साथ ही एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया और बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर भार्गव वैद्य भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। इथेनॉल प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन को जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वो कंसिडर कर रहे हैं प्राइस हाइकिंग के बारे में, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन है। वो तो प्राइस हाइकिंग एथेनॉल का जो है प्राइस ज्यादा करना, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखते हैं, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज सीज्ड ऑफ द मैटर। और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आवर सी द प्राइम आवर मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द एथेनॉल, इसी कारण हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के टच में भी है। इट इज वेल अंडर कंसिडरेशन। तो और एक इनका डिमांड है कि एक तो डिमांड इनका था कि एथेनॉल के लिए बी हैवी मोलासेस, सी हैवी मोलासेस और जूस से अलाउ करना चाहिए। दैट वी हैव अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दिस टाइम, कोई बिना कोई पाबंदी के, मिनिमम सी पाबंदी के हम हटा दिया, हम पूरा सभी पाबंदी हटा के, निर्बंध हटा के हमने अलाउ कर दिया है। और एमएसपी के बारे में अभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इज अंडर कंसिडरेशन। तो आपने सुना फूड मिनिस्टर मिस्टर जोशी को, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार 2024-25 सीजन के लिए एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ा सकती है, साथ ही जो शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस है एमएसपी, उस पर बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। फूड मिनिस्टर ने साफ तौर से यहाँ पे कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस पूरे मैटर को देख रही है और जल्द इस पर कुछ अपडेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या मायने इस खबर के, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात तो कैसे देखते हैं फूड मिनिस्टर के इस बयान को, और अगर हम एथेनॉल प्राइसिंग की ही बात करें तो आपके हिसाब से कितना एथेनॉल प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर कितना वाजिब रहेगा? देखिए, उनके पास दो ऑप्शन है। अगर वो 10% इंक्रीज करते हैं तो जो 20% से 25% का जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकता है, जिससे काफ़ी अच्छी कैपेसिटी खड़ी हो जाएगी। और जो 25-26 का जो क्रॉप है वो भी शुगर केन का काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, तो उस समय ये जो हमारे पास अगर ये 10% बढ़ाते हैं और कैपेसिटी बिल्टअप हो जाएगी, तो हम लोग 20% के क्रॉस होकर 21-22 तक भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनके पास 5% का, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखती है कि कुछ कम प्राइस में अगर इथेनॉल मिल जावे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो 20-25% की जो एक ड्रीम कल से चालू हुई है वो ड्रीम को ऑब्स्टेकल बन सकती है। तो अब ये 5% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं, ये डेफिनेटली बढ़ना तो है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी, इनफैक्ट प्रफुल्ल जी आप बने रहिए हमारे साथ, मेरी सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनीषा जी, 2022 से इस एथेनॉल सीजन जो होता है तब से प्राइसेस बढ़े नहीं, और अब साफ तौर पे फूड मिनिस्टर ने इंडिकेशन दी है कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आप क्योंकि वहां पर हैं तो बताइए एग्जैक्टली क्या अपडेट है और क्या कहना है फूड मिनिस्टर का। मनीषा, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए मनीषा जी तक ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और उनसे पूछ। जी 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 मनीषा जी, बताइए क्या कहना है फूड मिनिस्टर का।
जी हाँ दीपाली, क्लियरली यहाँ पर जो शुगर और बायोएनर्जी की कॉन्फ्रेंस है वहां पर लगातार बात इसी पर हो रही है कि जो पिछले जो आने वाले 4 से 6 हफ्ते हैं, और जैसे अभी प्रफुल्ल विटलानी जी भी कह रहे थे कि इसी बीच यहाँ पर हम एथनॉल प्राइसिंग रिविजन आता हुआ देखेंगे अक्रॉस बोर्ड, चाहे वो मेज है, राइस है, केन जूस है या फिर मोलासेस है उसके हिसाब से भी। और जैसे मिस्टर विटलानी कह भी रहे थे कि 5 से 10% की तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री यही चाहती है कि ऑन द हायर साइड हम यहां पर नंबर्स आता हुआ देखें। प्रॉफिटेबिलिटी शायद इन नंबर्स पे भी है, लेकिन जिस तरह के प्राइसेस हमने 2 साल पहले यहां पर या 2 साल पहले जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए देखी थी वो अब यहां पर सेक्टर के पास नहीं है। आपको याद दिला दें कि 500 चीनी की मिलें हैं और 250 यहां पर डिस्टिलरीज भी हैं। जहां तक अल्कोहल की प्रोडक्शन है वहां पर भी एक इजाफा होने की एक्सपेक्टेशन है। तो सभी लोग इस वक्त इस बात की राह देख रहे हैं कि कब हम वो नंबर आता हुआ देखेंगे। और क्योंकि एक के बाद एक मिनिस्टर सबने यहां पर रिटरेट किया है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बढ़त तो यहां पर की ही जाएगी, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमने शुगर में और शुगर स्टॉक्स में यहां पर आता हुआ देखा है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में रॉ शुगर के प्राइसेस देखें तो वो 7 महीने के हाईज पर हैं। मेरी पहले यहां पर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात हो रही थी, उनका भी मानना है कि तेजी बरकरार रह सकती है नियर टर्म में। जिस तरह से सबसे बुरा ड्राउट यहां पर हमने ब्राजील में आता हुआ देखा है, उसका सीधा असर या फायदा यहां पर चीनी के प्राइसेस में देखने को मिला है। आगे जाकर यहां पर डेफिसिट की भी एक्सपेक्टेशन है, 3.8 मिलियन टन यहां पर आया से उन्होंने कहा है, तो वो भी हमने प्राइसेस में यहां पर सीप इन होता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 23 सेंट्स पर पाउंड के प्राइसेस यहां पर पहुंच चुके हैं और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहां पर भारतीय मार्केट्स में भी आता हुआ देखा है। जहां तक शुगर एक्सपोर्ट्स की बात है वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मिनिस्टर्स ने कहा कि ठीक है वो बाद में देखेंगे, अक्टूबर में एक बार सीजन शुरू हो जाए और उसके बाद दिसंबर फेब में किस तरह के नंबर्स यहां पर रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और साथ ही साथ जो शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर भी कोई बहुत दावे से या बहुत ही कंसेंसस नहीं बनता हुआ नजर आया और बहुत स्ट्रांग रिआइटरेशन नहीं आया। तो ये 3 चीजें हैं जो इंडस्ट्री मांग रही थी, शुगर सेलिंग मिनिमम सेलिंग प्राइस, दूसरी चीज है एक्सपोर्ट्स को लेकर, तो इन दोनों पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो तीसरी चीज है जो कि एथेनॉल प्राइसिंग है उस पर सभी ने हामी भरी है कि वो एक्टिवली इन कंसिडरेशन है और बहुत जल्दी इन अ मंथ हम वो नंबर्स आता हुआ देखेंगे भी। तो क्लियरली काफी सारा सपोर्ट फिलहाल यहां पर शुगर एज अ सेक्टर के लिए आता हुआ। थैंक यू मनीषा जी पूरी डिटेल बताने के लिए। और इनफैक्ट एथेनॉल प्राइसिंग की जैसे मनीषा जी ने भी कहा, प्रफुल्ल जी भी वही बात कह रहे थे कि 5% या फिर 10% का इंक्रीज होना चाहिए, ये वाजिब रहेगा। और अगर फिलहाल के प्राइसेस की बात करें तो एथेनॉल जो केन जूस से प्रोड्यूस होती है उसकी कीमत 65.61 रुपीज़ पर लीटर है, वहीं एथेनॉल जो कि बी हैवी या फिर सी हैवी मोलेसिस से आती है उनकी कीमत 60 और 56 रुपये के आसपास है। लेकिन प्रफुल्ल जी दूसरी बात, जैसे मनीषा जी कह रही थी कि इंडस्ट्री तो डिमांड कर रही है कि जो MSP है शुगर की वो बढ़नी चाहिए, जो कि फिलहाल 31 रुपये प्रति किलो के आसपास है और ये रेट February 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस पर कोई खास कंसेंसस बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन चर्चा ज़रूर हुई है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना आपके हिसाब से अगर सरकार को कंसिडर करना चाहिए बढ़ाने के लिए जो कि जरूरी है? अगेन गवर्नमेंट हैज टू ऑप्शन, उनको ये देखना चाहिए कि जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक किंग बन गई है वर्ल्ड में इंडिया, तो वैसे ही अगर शुगर इंडस्ट्री को करना है तो जो जवान दी है उसको पूरा करे कि जब भी FRP बढ़ी जाएगी तभी तभी MSP बढ़ाई जाएगी। वो MSP तो काफी यानी एक जरूरी चीज है इंडस्ट्री की सर्वाइव और प्रोग्रेस और वर्ल्ड में नंबर वन होने के लिए। वी कैन बीट इवन ब्राजील ऑल्सो अगर हम ये पॉलिसी से चलते हैं। तो दूसरी ऑप्शन, हमें फूड इन्फ्लेशन को काबू में रखना है। अगर आपको फूड इन्फ्लेशन इतना काबू में रखना है कि इंडिया प्रोग्रेस न कर सके तो क्या वो कीमत ब्याज भी है, वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पर जैसे कि मनीषा जी ने कहा है, मैं उनके कहने से बरोबर सम्मिलित होता हूँ कि MSP आ जावे तो वो तो हम भगवान से प्रार्थना करते कि हो ही जावे, पर उम्मीद बिल्कुल जीरो जैसी है। ओके अच्छा क्विकली प्रफुल्ल जी, एक चीज और जो कि मनीषा जी भी जिक्र कर रही थी वो है एक्सपोर्ट को खोलने को लेकर डिसीजन रिकंसिडर करना। और क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस बार मॉनसून बेहतर है तो जो प्रोडक्शन है वो 2024-25 में बेहतर रहने की दिखाई दे रही है शुगर की, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सरकार ने अभी तो फिलहाल टाल दिया लेकिन अक्टूबर नवंबर में रीलुक कर सकती है डिसीजन या फिर कर लेना चाहिए, उतनी कंफर्टेबल पोजिशन में हम हैं? देखिए डेफिनेटली हमारे पास 25 लाख टन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। ये ऐसी सीजन जब होने जा रही है तब 55 लाख टन भी ओपनिंग स्टॉक काफी रहता है, पर हमारे पास 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक, 78 से 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक होने जा रहा है। तो एक तो 25 लाख टन हमारे पास एडिशनल अभी से ही है,
और अगली सीजन में भी करीबन 335 या 340 का सुक्रोज अवेलेबिलिटी रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनवरी एंड या फेब्रुवरी के पूरे महीने में कभी भी 1.5 से 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की भी परमिशन मिलनी चाहिए और मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं हम। ओके, चलिए शुक्रिया प्रफुल्ल जी क्विकली तीनों ही खबरों पर अपने व्यूज देने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी राय, शुक्रिया। अब देखना होगा, हालांकि एथेनॉल प्राइसेस बढ़ने की तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन शुगर एमएसपी हो या फिर एक्सपोर्ट डिसीजन रिकंसिडर करना हो, इसको लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी यहां से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, रवि द्योरा है, साथ ही साथ धर्मेश भाटिया है, आप दोनों का ही स्वागत है। धर्मेश, पहले तो क्विकली आप बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए, मैं कच्चे तेल में आइडेंटिफाई करूंगा, कच्चे तेल मुझे काफी फर्म लग रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। अगर आप देखिए, सारा का सारे महीने मार्केट कॉन्टैंगो से बुलिश जोन में आ चुका है, और अगर आप देखिए स्लो एंड स्टेडिली अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी आपको 70-71 डॉलर WTI मार्केट में होल्ड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रहेगी और नवंबर में जब इलेक्शन खत्म होगा तो ये ठंडी के माहौल में काफी पिकअप हो सकता है। प्लस अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स में 101-102 का लेवल सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अगर मूवमेंट वॉलेटिलिटी आई तो कच्चे तेल में तेजी आने की संभावना काफी हाई है। तो मैं सलाह दूंगा बाय करने की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 से 2.5 डॉलर की तेजी आपको करंट लेवल से, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर डोमेस्टिक मार्केट में कंपेयर करें तो 6,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो बाय की सलाह रहेगी मेरे कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए कच्चे तेल पर खरीदारी की सलाह 5670 के मौजूदा लेवल्स हैं। रवि, आपकी तरफ से ट्रेड? जब से क्रूड में काफी अंडर वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स लिए उसी टाइम इसके लिए नेगेटिव न्यूज आए थे, सऊदी के सप्लाई बढ़ने की, लिबिया की ओर से टेंशन ईज होने की, तो इस हिसाब से प्राइसेस में करेक्शन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से रिकवरी का अच्छा कैंडिडेट है, ऑप्शन का इस्तेमाल करें, 5700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करें 140 के स्टॉप लॉस के साथ, अपर साइड 260 तक के टारगेट आ सकती है। और मेटल्स में मुझे एल्यूमिनियम पसंद है, आई थिंक काफी बड़े स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हो चुके हैं एंड ये कमोडिटी थोड़ी अंडर परफॉर्मर भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगाए 235 का, 238 पे अक्टूबर फ्यूचर बाई किया जा सकता है और अपर साइड जो टारगेट है वो 244 तक दिख सकता है। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह है रवि की तरफ से भी, यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेने की सलाह दी गई है। 260 के लक्ष्य के लिए आप 5700 का कॉल खरीद सकते हैं, 199 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। अच्छा, अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमने अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। चाइना की राहत पैकेज की खबरों से पहले ही यहाँ पर वाइब्रेंसी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद भी जो तेज़ी बनी वो टिकती हुई दिख रही है। धर्मेश, आप बताइए बेस मेटल्स क्या आउटलुक यहाँ से है ओवरऑल एज अ पैक, और अगर कोई बेस मेटल पिक करना हो स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो आपका कन्विक्शन किधर है? देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा, इनफैक्ट मैं और रवि कंटिन्यूसली कॉपर में बुलिश थे और यही हुआ मार्केट में, ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए की तेजी आपको कॉपर में देखने मिली है। डॉक्टर कॉपर बेस मेटल्स का किंग है और जैसे ही राहत पैकेज आई है मार्केट में एक अच्छी खासी चलांग लगाई है। नो डाउट यहाँ से मार्केट की अप मोमेंटम मेरे हिसाब से 865 to 870 होगी। मैं रेकमेंड करूंगा आप करंट लेवल पे निवेश करें, 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 870 के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। बट अगर आप देखिए नेक्स्ट 10 दिन चाइनीज हॉलिडे है तो वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में रहेगी, स्लो एंड स्टेडीली मार्केट मूव होगा, बट मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। प्राइस अगर कंटिन्यू रहा तो ये 900 के स्तर फिर से दिखा सकता है, तो मैं कच्चे तेल और कॉपर दोनों में बाय की सलाह दूंगा इसमें। और साथ ही जिंक पर धर्मेश, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर जिंक की बात करें तो जिंक, लेड, एल्यूमिनियम तीनों काउंटर काफी स्लो एंड स्टेडीली मूव कर रहा है, बट जिंक यहाँ से मेरे हिसाब से 5 से 7 रुपए की तेजी आपको जिंक के काउंटर में देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 295-297 तक के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 280 के स्तर पे बाय करें, 275 का स्टॉप लॉस रहेगा, पोजिशनली 295-300 के टारगेट के लिए आप जिंक में निवेश करके चल। तो यहाँ पर भी खरीदारी की तरफ पोजीशन बना सकते हैं जिंक में भी, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन हमारे दोनों ही गेस्ट का, धर्मेश और रवि का, कॉपर पर ही है। यहाँ पर आप ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे गोल्ड की, सिल्वर की, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया ट्रांस जारी हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एग्री कमोडिटी बाजार से भी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं।
राउंड पर अब बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सरकार दोबारा से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ट्रांज जारी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस पर विचार कर रही है और बाजार के हालात को देखते हुए फैसला लेगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कितनी तो पॉसिबिलिटी आपको लग रही है नया ट्रांज आने की, क्योंकि कंसिडरिंग रिपोर्ट्स तो रिसेंटली ये भी रही है कि क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक एक्सपेंसिव टूल है टू ब्रिज फिजिकल डेफिसिट, और यही वजह है कि अगर FY21 से लेकर अब तक हम देखें तो लगातार नंबर ऑफ ट्रांचेस कम ही होते रहे हैं, बट कंसीडरिंग क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर भी रहा है हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट कंडीशंस को देखते हुए सरकार डिसीजन ले। नमस्ते, मैं मानता हूं कि ये 100% सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आएगी और वो आने भी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ करेक्शन या ट्विकिंग हो सकता है, बिकॉज अगर ये बेनिफिट से जो टारगेटेड ऑडियंस था वो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन था कि जो छोटे से छोटा आदमी है उसके बेनिफिट के लिए, और वो गोल्ड में जो उसका इतना यू नो वेरी ओल्ड हैबिट है कि इन्वेस्ट करना, वो उनकी खत्म हो है विदाउट ही होल्डिंग गोल्ड एंड ही इज नॉट चीटेड बाय रिटेल प्राइस बाय लोकल ज्वेलर्स, तो वो दोनों बेनिफिट के लिए वो हो सकता है। अगर ये टारगेट है तो 4 किलो का कैप तो बहुत बड़ा है। आप खुद सोचिए कि आज की तारीख में 4 किलो कौन नॉर्मल इंडियन सिटीजन नहीं लेगा। ये इन्वेस्टर बेनिफिट स्कीम तो है, बिजनेस बेनिफिट स्कीम तो नहीं है, जैसे आपने करेक्टली बोला। तो 100% आएगा, थोड़े करेक्शंस आएंगे कि मे बी द कैप इज रिड्यूस, और काफी टाइम हम लोग ने काफी लोग ने कहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जितना छोटा हो सके इतना करिए तो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बेटर होगा। तो यानी पूरे स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं लेकिन आएगा, ये आप मान के चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है राइट? या बिकॉज़ आप स्कीम को जिस क्यों देखिए हर एक चीज फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए। जैसे आरबीआई का टारगेट था कि एक इन्वेस्टमेंट शिफ्ट मेंटल शिफ्ट करे लोगों का, और ये छोटे से छोटे जो इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट करे, तो वो टारगेट तो डेफिनेटली वो मीट करेंगे। ओके अच्छा, एक और चीज भार्गव जी, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं तो प्राइसेस को लेकर गोल्ड के आपका आउटलुक क्या है, और दूसरा क्या ये एक अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए अगर ये इशू आता है तो? देखिए प्राइसेस अभी एक पीक पे है, ये लेवल से जो रिटर्न हमने पिछले 1 साल या 1.5 साल में देखा वो नहीं हो सकता है, मगर आज भी मैं बैरिश नहीं हूँ, मानता हूँ कि इम्प्रूव होंगे एंड इट विल बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। वो मैं सब गोल्ड में शायद मुझे मेरे ओके इट्स ऑलवेज द राइट टाइम, बट यस इट इज अ फेयर टाइम, इट कुड हैव बीन बेटर इफ इट वाज ओके 2 months ago, but this is also not a bad time for long-term investors. Short-term के लिए yes, don't be in it. तो ये product ही short-term के लिए नहीं है। चलिए शुक्रिया भार्गव जी अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली रवि का भी व्यू ले लेते हैं। रवि आपका आपकी राय क्या है गोल्ड पर? जब से गोल्ड पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर है क्योंकि आज येन में वीकनेस है, इसका डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मायूसी रहेगा, थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर होगा। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लग रहा है, अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है फिर से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस रिस्टोर हो गए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आई थिंक करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी पे जा रहा है, तो नए जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पे फोकस करें, जो 75,800 पे बाई करें 75,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड 76,580 तक के लेवल आपको वहां पे दिखने चाहिए। ओके क्विकली रवि एग्री कमोडिटी पैक से कोई ट्रेड लेंगे क्या? जब से वहाँ भी काफी अच्छी ग्रीन जोन में कारोबार हो रहा है, पर्टिकुलर केस्टर एंड गुआर दोनों में काफी अच्छी रैली काफी अच्छे बढ़त देखने को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस रखे। चाइना के जो स्टिमुलस मेजर्स है वो केस्टर के लिए अच्छे क्योंकि वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर इंडिया से कोई है तो चाइना, तो यहाँ पे फोकस करे, बाय करे, करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करे, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 6,800 एंड अपर साइड जो टारगेट है मेरे हिसाब से 6,950 तक आना चाहिए, तो पहला रिकमेंडेशन कैस्टर होगा, सेकंड गुआर सीड होगा 5,700 पे गुआर सीड बाय करें, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 5 से 6,20
एंड शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये 5,880 तक जा सकता है, तो दोनों रिकमेंडेशन कैस्टर सीड एंड गुआर सीड बाइंग के रिकमेंडेशन हो। तो कैस्टर सीड और गुआर सीड में दोनों में ही खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं, सजेशन रवि का है। थैंक यू रवि शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।